बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर लाइसेंस होल्डर की वफात हो जाती है तो उसका लाइसेंस उसके वारसान में से किसी एक के नाम किस तरह ट्रांसफर किया जा सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर लाइसेंस होल्डर की वफात नहीं होती तो फिर भी उसके वारसान में से किसी एक के नाम वो लाइसेंस ट्रांसफर किया जा सकता है, और आपको बताऊंगा कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर वो लाइसेंस ट्रांसफर किया जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बरवक्त पहुंचती रहे। एक तो सेक्शन 23 के तहत मैंने आपको बताया था कि अगर लाइसेंस होल्डर की वफात हो जाए तो उसके वारसान में से किसी एक के नाम वो लाइसेंस ट्रांसफर किया जा सकता है दूसरे वारसान की रजामंदी के तहत। लेकिन सेक्शन 24 के तहत दो सूरतें और हैं जिनकी वजह से लाइसेंस होल्डर अपनी जिंदगी में भी अपने वारसान में से किसी एक के नाम लाइसेंस ट्रांसफर कर सकता है। जो पहली सूरत है वो है इल हेल्थ, और दूसरी जो सूरत है वो है ओल्ड एज। यानी कि या तो लाइसेंस होल्डर इतना बीमार हो कि वो लाइसेंस इस्तेमाल ना कर पाए तो वो अपने वारसान में से किसी एक के नाम लाइसेंस ट्रांसफर कर सकता है, या फिर उसकी एज जो है वो ज्यादा हो चुकी हो, वो बूढ़ा हो चुका हो और वो अपना लाइसेंस इस्तेमाल ना कर सकता हो तो अपने वारसान में से किसी एक के नाम लाइसेंस ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो गवर्नमेंट को या डिप्टी कमिश्नर को दरखास्त दे, और दरखास्त देने के बाद उस लाइसेंस होल्डर की पर्सनल अपीयरेंस भी जरूरी है। लेकिन अगर लाइसेंस होल्डर की मेडिकल कंडीशन इस काबिल नहीं है तो वो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के डिप्टी कमिश्नर को या गवर्नमेंट को दे सकता है, और अगर डिप्टी कमिश्नर या गवर्नमेंट को तसल्ली होती है कि वाकई वो पेश होने के काबिल नहीं है तो लाइसेंस होल्डर की पर्सनल एक्सपीरियंस को मुस्तस्ना भी करार दिया जा सकता है। यानी कैसी सूरत में उसको डिप्टी कमिश्नर या हुकूमत के सामने पेश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइसेंस होल्डर दरखास्त देगा डिप्टी कमिश्नर को या गवर्नमेंट को, जो कि मजवजा फॉर्म नंबर 1 पर तहरीर होगी। उस दरखास्त के साथ उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। पहले नंबर पे लाइसेंस की कॉपी होगी, दूसरे नंबर पे कौमी शनाख्ती कार्ड की कॉपी होगी जिसके नाम लाइसेंस ट्रांसफर किया जा रहा है, तीसरे नंबर पे जिसके नाम लाइसेंस ट्रांसफर किया जाना है उसके डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, चौथे नंबर पे फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जारी करेगा कि वाकई जिसके नाम लाइसेंस ट्रांसफर किया जा रहा है उसकी मेडिकल कंडीशन ऐसी है, उसकी मेंटल कंडीशन ऐसी है कि उसको लाइसेंस जारी किया जा सके। उसके अलावा हर वो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा जो कि हुकूमत वक्तन फवक्तन इसके लिए जरूरी समझे। इसके बाद गवर्नमेंट या डिप्टी कमिश्नर जब इसकी मंजूरी देता है तो वो केस को फॉरवर्ड कर देता है NRC को फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ऐसी सूरत में NRC जो है वो उस शख्स के जिसके नाम लाइसेंस ट्रांसफर होना है उसकी एलिजिबिलिटी को देखेगा, परखेगा क्या क्या इसकी मेंटल कंडीशन ऐसी है, क्या इसकी जो है फिजिकल कंडीशन ऐसी है कि इसके नाम लाइसेंस ट्रांसफर किया जा सके, वो उसका इंटरव्यू भी करेगी। इसके अलावा NRC इस बात की भी इंक्वायरी करेगी कि क्या इसका करेक्टर ठीक है, क्या ये किसी जुराई में मुलवस तो नहीं रहा, और इसके लिए NRC लोकल पुलिस या फिर किसी और एजेंसी से रिपोर्ट भी तलब कर सकती है। इसके बाद NRC उस शख्स के नाम लाइसेंस ट्रांसफर कर देगी। NRC से मुराद है नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।